वेलकम स्टूडेंट्स, हियर आई एम बैक विथ माई पार्ट टू वीडियो ऑफ क्लास फोर्थ चैप्टर 8 फाइबर एंड फैब्रिक्स। इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स एंड वॉट इज फाइबर एंड फैब्रिक्स। इन दिस वीडियो आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फाइबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, फर्स्ट नेचुरल फाइबर, सेकेंड मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर, फाइबर्स विच वी गेट नेचुरली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड जूट। वे फाइबर्स जो हमें नेचुरल तरीके से प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं। सो फर्स्ट फाइबर इज प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर्स, फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉटन एंड जूट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। वे फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम प्लांट फाइबर कहते हैं। डू यू नो स्टूडेंट फ्रॉम वेयर वी गेट कॉटन? यस, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। एंड फ्रॉम वेयर वी गेट जूट? We get jute from the jute plant. Jute हमें jute plant से मिलती है जो हम clothes और bag बनाने में use करते हैं। Second, animal fibers. Animal fibers is another natural fiber. Fibers that we get from animals are called animal fibers. Students, वे फाइबर्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं वे एनिमल फाइबर कहलाते हैं, लाइक वूल एंड सिल्क। डू यू नो स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयर वी गेट वूल? यस, वी गेट वूल फ्रॉम शीप। हमें वूल कहाँ से मिलती है? शीप से। सिल्क, हेयर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू। फ्रॉम वेयर वी गेट सिल्क? यस, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। एंड सिल्क इज यूज टू मेक स्कार्फ, साड़ीज एंड अदर थिंग्स। सो आवर सेकेंड टॉपिक इज मैन मेड फाइबर। फाइबर्स दैट आर मेड बाई ह्यूमन्स आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर। स्टूडेंट्स, वे फाइबर्स जो ह्यूमन मेड होते हैं लाइक रियोन, नायलोन एक्सेट्रा, दीज फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। यानी इन फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। दीज फाइबर्स आर लॉन्ग लास्टिंग, यानी ये लंबे समय तक चलते हैं और ये फाइबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वाटर प्रूफ भी होते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग टू लास्ट टॉपिक्स, हाउ कैन वी केयर अवर क्लोथ्स। हमें अपने कपड़ों की केयर कैसे करनी चाहिए? सो लेट्स नो, वॉश योर क्लोथ यूजिंग अ गुड सोप एंड या डिटर्जेंट। हमें अपने कपड़ों को गुड सोप यानी अच्छे साबुन या डिटर्जेंट से धोने चाहिए। ड्राई देम इन गुड सनलाइट। हमें अपने कपड़ों को तेज धूप दिखाकर सुखाना चाहिए। ड्राई क्लीन द डेलिकेट क्लोथ्स। वे कपड़े जो बहुत नाजुक होते हैं उन्हें हमें ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देना चाहिए। स्टोर नीटली फोल्डेड आयरन क्लोथ्स इन अलमीरा। यानी जो कपड़े हम वॉश कर चुके हैं उन्हें हमें अच्छे से फोल्ड करके आयरन करके अलमीरा में रख देने चाहिए। नाउ स्टूडेंट, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। टिल द नेक्स्ट वीडियो योर होमवर्क इज लर्न दीज टाइप्स ऑफ फाइबर। So, till then, bye-bye. Stay safe at your home.